जीजा जी छत पर है, मैं आज जमी है खुशियों की महफिल। देखिए कैसे सब नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेलिब्रेशन किस लिए, तो आपको बता दें कि आज है इलायची और पंचम की शादी। और शुभ दिन है मेरे पुत्र का ब्याह। नहीं नहीं, आज है इलायची और प्रकाश की शादी। देखिए सेठ जी, आज हम अधूरे काम को पूरा करके ही जाएंगे। नहीं नहीं, आज है इलायची और प्रकाश की सगाई। बेटा अंगूठी लाए हो ना? हाँ, हम अंगूठी भी लाए हैं। एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट है, वही एक अनार और दो बीमार वाला ट्विस्ट। दरअसल शो में लौट आई है पंचम की मम्मी, जिन्होंने इलायची को देखते ही पंचम और इलायची की शादी तय कर दी है। वहीं अपने दोस्त के बेटे के साथ मुरारी सेठ ने इलायची की शादी तय की है और आज वो इलायची के साथ सगाई करने आए हैं। बंसल साहब प्रणाम, बंसल साहब प्रणाम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया फंक्शन में इंतजाम रखा है आपने हमारे लिए। वाह, और देखिए जनरल साहब क्या है, ये आने वाले घर पर पूजा है, उसी का फंक्शन है, आप किसी और में आइएगा। देखिए सेठ जी, आज हम अधूरे काम को पूरा करके ही जाएंगे। बेटा अंगूठी लाए हो ना? हाँ, हम अंगूठी भी लाए हैं। अब तो बस हम अपनी होने वाली बहू इलायची को अंगूठी पहना के ही जाएंगे। क्यों प्रकाश बेटा, पहनाओगे ना? पंचम की मम्मी मुरारी सेठ को भी नहीं बख्शती और हमेशा की तरह मुरारी सेठ एक बार फिर पाला बदल देते हैं। सेठ जी ये क्या? देखिए मेरी कोई गलती ना है, जिसकी गलती है उसके घर आपने थप्पड़ मार दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और शुभ दिन है मेरे पुत्र का ब्याह है, तो मैं कुछ शुभ नहीं करना चाहती। चलो नाच गाना कर लेते हैं, ठीक है? और फिर शुरू होता है नाच गाने का प्रोग्राम। चलिए अब जरा होने वाली दुल्हनिया इलायची के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये कौन सी खिचड़ी पक रही है। कोई सगाई की बात कर रहा है तो कहीं शादी की बात चल रही है। तो एक जगह कोई सगाई के इंटेंशन से आया है और एक जगह शादी हो रही है, और मेरा उन दोनों का इंटेंशन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक जगह जीजा जी की माँ का मन रखा जा रहा है और एक जगह पापा का, बिकॉज पापा वांट कि मैं शादी कर लूँ किसी और से, और मैं नहीं करना चाहती बिकॉज एवरीबडी नोज दैट मैं शादी तो जीजा जी से ही करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं, सबके सामने सच बाहर आना चाहिए, उसके बाद तो उसकी तैयारियाँ चल रही है। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है बिकॉज यहाँ शादी वालों को नहीं पता सगाई के बारे में, सगाई वालों को नहीं पता शादी के बारे में, और पता भी नहीं लगना चाहिए, वरना बहुत बड़ा धमाका होगा। सो हम लोग इसमें इलायची और सब में मजे ही ले रही है, बाकी सब लोग टेंशन में, लेकिन इलायची इज लाइक अरे चलो यार मस्ती कर लेते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे यही उसका मंत्र है जिंदगी का कि मस्त जियो, मस्ती करते रहो। दैट्स व्हाट शी इज डूइंग, एंड गाना बजाना हो रहा है, एंड बस पूरी जिंदगी जी रही है मजे में। वैसे इलायची, हमने देखा कि सगाई करने आए प्रकाश और उसके पापा तो पंचम की मम्मी को देखकर भाग ही गए। जी वो भाग गई क्योंकि उन्हें चाटे से डर है, क्योंकि जो मेरी टूबी सासू माँ है वो बहुत चाटे मारती है उन्हें तो वो डर के भाग गए हैं, बट वो जो भी एंड आते ही रहेंगे और परेशान करते रहेंगे हमें। इलायची आप भी इस बीच खुश होने का नाटक कर रही है। She is pretending कि मैं उनकी बहू हूँ, बट मैं नहीं हूँ, बहुत कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। फॉर दैट यू नीड टू वॉच द शो आई फील। वेल तैयारियां तो हो गई हैं, दूल्हा दुल्हन सज धज भी गए हैं। अब जीजा जी की छत पर शादी होगी या सगाई, ये जानने के लिए आपको करना होगा हमारी नेक्स्ट अपडेट का वेट। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।